ओके पहला इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स देखो ये क्या होता है, एक्चुअल तो इसको क्या कर सकते हो, ये वन डी एक्स कर सकते हो, इंटीग्रेशन वन डी एक्स देखो ये एक्स का जीरो डी एक्स कर सकते हो, उसके बाद एक्स टू द एन, ये एक्स टू एन का फॉर्मूला डाल सकते हो, कितना वन प्लस कितना सी, ये आया कितना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या आया एक्स प्लस सी, ओके इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स प्लस सी, क्या होगा तो अरा ये एक्स टू द जीरो होगा, ओके अभी एक्स टू एन का फॉर्मूला डाल, एक्स टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ओके नेक्स्ट ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना एक्स प्लस सी, ओके सपोज है इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, डेरिवेटिव में जैसे कर रहे थे कॉन्स्टेंट को बाहर रख रहे थे, इधर भी वैसा होगा कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, ओके ओनली इसका ही इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। देखो हमारा ये फॉर्मूला है कॉन्स्टेंट फंक्शन, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ द टू रूट एक्स डी एक्स, ओके कैसा होगा, टू को क्या होगा बाहर आएगा, देन इंटीग्रेशन ये एक्स टू द हाफ डी एक्स, ओके कॉन्स्टेंट एंड फंक्शन रहेगा तो कॉन्स्टेंट क्या बाहर आएगा, ओके देन द्वारा इसका क्या है एक्स टू द हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन, क्या होगा हाफ प्लस वन क्या आएगा थ्री बाई टू, उल्टा का मल्टीप्लाई करने से कितना टू बाई थ्री, ये एक्स का बराबर कितना थ्री बाई टू प्लस थ्री, ओके ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द एन का फॉर्मूला करेगा एक्स टू द एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये थ्री बाई टू होगा टू बाई थ्री, ठीक है। अच्छा सपोज इंटीग्रेशन ऑफ द तुम्हारा ओनली कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला, ओके क्या होगा ओनली कॉन्स्टेंट का, हमारा डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट जीरो होता था लेकिन इसका क्या होगा कॉन्स्टेंट आगे आएगा ओनली डी एक्स होगा। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या एक्स प्लस थ्री, ओके फॉर एग्जाम्पल देंगे इंटीग्रेशन ऑफ थ्री डी एक्स क्या होगा ओनली इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होगा थ्री आगे आएगा ओनली डी एक्स आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या है एक्स है तो ये थ्री हाँ इंटीग्रेशन डी एक्स क्या एक्स आएगा, ओके प्लस थ्री, ओके समझे कॉन्स्टेंट का फंक्शन होगा तो कॉन्स्टेंट बाहर आएगा ओनली इंटीग्रेशन उसका होगा, ठीक है। हाँ ओनली कॉन्स्टेंट का क्या होगा कॉन्स्टेंट आगे होगा डी एक्स रहेगा इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है लिख दिए। नेक्स्ट द्वारा इंटीग्रेशन ऑफ द एफ एक्स प्लस जी एक्स, ओके ये द्वारा क्या होगा इसका भी इंटीग्रेशन होगा प्लस इसका भी इंटीग्रेशन होगा, ओके अगर माइनस रहता है इसका भी इंटीग्रेशन होगा माइनस उसका भी इंटीग्रेशन होगा, ओके कुछ एग्जांपल देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस ई टू दर एक्स ये माइनस कर दो प्लस सिक्स डी एक्स, ओके एक एग्जांपल बनाओ आंसर कितना आएगा देखो ये द्वारा इसका भी इंटीग्रेशन होगा कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा इसका भी इंटीग्रेशन होगा ये इसका भी इंटीग्रेशन होगा कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा इसका भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन वन बाय एक्स क्या होता है लॉग एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ई टू द एक्स ई टू द एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स क्या एक्स प्लस कितना सी, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो पर इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स टू द सेवन प्लस द्वारा टू टू द थ्री टू द एक्स प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, ओके
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू का कितना सेवन प्लस वन बाय कितना सेवन प्लस वन, इंटीग्रेशन ए टू दर एक्स क्या होता है ए टू एक्स बाय लॉग ए, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव टैन इनवर्स एक्स होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टैन इनवर्स एक्स, ये फोर डी एक्स फोर आएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होगा एक्स प्लस क्या सी होगा, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ओके पर आप प्लस का ये ऐसे इंटू रहता है तो उससे बाईपार्ट्स कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बाईपार्ट्स, ओके ठीक है। तो डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल था, इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल है, क्या फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ओके ये फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ओके ओके फर्स्ट फंक्शन वो लोग है जो इजीली डेरिवेटिव हो, ओके सेकेंड फंक्शन वो लोग है जो इजीली इंटीग्रेट हो, ओके फर्स्ट फंक्शन वो लोग है जो इजीली डेरिवेटिव हो, ओके अगेन सेकेंड फंक्शन वो लोग जो इजीली इंटीग्रेट हो, ओके तो इसके लिए एक सजाया जाता आइलेट, इसके लिए सजाया जाता है एक आइलेट, ओके फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कौन पहला है आइलेट, ये आई फॉर इनवर्स ट्रिगन इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंट, ओके जब भी कोई ऐसा रहता है इसे बाईपार्ट्स बाईपार्ट्स से पूरा फुल पढ़ेंगे, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ओके ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, ओके सपोज एक क्वेश्चन है द्वारा एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है, ओके पहले इसको आइलेट में सजाओगे, पहला इनवर्स यहाँ पर इनवर्स नहीं है, नेक्स्ट आया क्या लॉगरिथम, तो पहला लॉगरिथम फंक्शन पहला होगा, उसके बाद अलजेब्रा पहला सजाया जाएगा, इनवर्स नहीं है लॉगरिथम पहला आएगा, उसके बाद अलजेब्रा आएगा, और एक बात है इंटीग्रेशन लॉग एक्स मुश्किल है लेकिन डेरिवेटिव लॉग एक्स इजी है, इसलिए पहला फंक्शन वो ले जो इजीली डेरिवेटिव हो, लॉग एक्स को इजीली डेरिवेटिव होगा और एक्स का इंटीग्रेशन इजीली होगा, अगर तुम इसी को ले लोगे लॉग एक्स को का इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल है, ओके और नहीं तो आईलेट में सजाओगे, पहला लॉगरिथम फंक्शन पहला आएगा उसके बाद जाके अलजेब्रा फंक्शन आएगा, सजा हो गया उसके बाद बनाओ ये फॉर्मूला डालो, क्या फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन, ओके फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ओके इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डेढ़ लॉग एक्स, ओके इंटीग्रेशन एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, डेढ़ लॉग एक्स वन बाय एक्स इंटीग्रेशन एक्स
एक्स स्क्वायर बाय टू, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ओके देन एक बार आएगा कितना लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू, एक एक्स और एक एक्स क्या कट जाएगा, ये होने के बाद वन बाय टू आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या आएगा कितना लॉग एक्स इंटू कितना एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, कितना एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस कितना सी, ठीक है ये थोड़ा मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी, ठीक है। और एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो पहला इसको हाईलाइट में सजाओगे, पहला हाईलाइट में सजाओगे, फर्स्ट फंक्शन इनवर्स लॉगरिथम, पहला क्या आएगा अलजेब्रा, उसको आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। ये सजा ही हो गया हाईलाइट, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा पहले आएगा सर, ट्रिगोनोमेट्रिक होगा, यह फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड, साइन एक्स कोसेक का इंटीग्रेशन हमेशा माइनस रहेगा, कितना आएगा माइनस कॉस एक्स, ये डी एक्स डी एक्स कट जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, माइनस में प्लस कॉस एक्स और क्या डी एक्स, ठीक है। ये माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी, ओके। एक क्वेश्चन दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये बनाइए क्वेश्चन, दो इसका हो गया हाईलाइट आया, पहले हाईलाइट में इसको सजाओ क्या होगा, आइलेट में से सजाओ क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन आइलेट इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा, पहले अलजेब्रा आएगा लास्ट क्या एक्सपोनेंट आएगा, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री लास्ट एक्सपोनेंट आएगा, हो गया सजाई हो गया। दो नेक्स्ट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा x इंटीग्रेशन ई टू द x, ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द x y ई टू द x होता है, ओके इंटीग्रेशन ई टू द x y ई टू द x ही होता है, दैन तुम्हारा क्या x इंटू कितना ई टू द x, ई टू द x का y ई टू द x क्या प्लस सी, ठीक है। ये था प्रोडक्ट का, जिसको हम बाई पार्ट्स कहते हैं, अलजेब्रा इंटीग्रेशन प्लस मैंने समझे प्रोडक्ट, ये इसका बाई पार्ट्स का एक तो चैप्टर है, पढ़ेंगे पूरा, ओके ये इंट्रोडक्शन था, जब भी कोई प्रोडक्ट्स है ये बाई पार्ट्स अप्लाई कर लेना, ओके नेक्स्ट। जैसा डेरिवेटिव में रहता है अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव, यहाँ पर प्लस माइनस उसका प्रोडक्ट रूल कोशेंट रूल एफ एक्स बाय जी एक्स, इधर भी सेम थिंग, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये प्रोडक्ट रूल जान गए हमारा किसका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रूल, अगर एफ एक्स बाय जी एक्स ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, ये एक चैप्टर है, ओके क्या कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। जब भी कोई एफ एक्स इंटू जी एक्स वो बाई पार्ट्स अप्लाई कर लेना, जब भी कोई एफ एक्स बाय जी एक्स है वो पार्शियल फ्रैक्शन है, ओके। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है इसका पूरा चैप्टर, लेकिन हम थोड़ा आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, ओके। अगर डिग्री ऑफ द एफ एक्स, ऊपर का डिग्री न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ द एफ एक्स ग्रेटर देन
और इक्वल टू डिग्री ऑफ किसका जी एक्स, अगर न्यूमरेटर का डिग्री इक्वल और ज्यादा होता है ओके देन डिवाइड डिवाइड एफ एक्स बाय जी एक्स, डिवाइड करना है एफ एक्स को बाय क्या जी एक्स करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय क्या डिवाइजर होगा, अगर ऊपर का डिग्री ओके ऊपर का डिग्री अगर तुम्हारा क्या ज़्यादा होता है और इक्वल भी होता है तो डिवाइड होता है किसके एफ एक्स बाय जी एक्स को कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइडर करते हैं ओके एल्स एल्स अगर डिग्री ऑफ द एफ एक्स छोटा है और डिग्री ऑफ द जी एक्स नीचे का डिनोमिनेटर का डिग्री डिग्री ऑफ द जी एक्स ज़्यादा है अप्लाई दो पार्शियल फ्रैक्शन ओके अगर ऊपर का डिग्री ज़्यादा है और बड़ा है तो डिवाइड होगा न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है तो डिवाइड होगा ओके क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर और डिग्री ऑफ द एफ एक्स अगर छोटा है और नीचे का डिग्री ज़्यादा है तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है तभी पढ़ाएंगे लेकिन अभी हम जो इसका ऊपर से प्रॉब्लम्स करेंगे ओके एफ एक्स का बाद डिग्री का जो ओके ठीक है देखो कुछ क्वेश्चन प्ले नहीं हो रहे क्या हो रहा तो दो हाँ ठीक है वाह देखो क्वेश्चन देखो सबत पारा ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पर डिग्री ऑफ द जी एक्स ज़्यादा है किससे तो यहाँ पर डिवाइड होगा क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड किससे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा और इक्वल होता है डिवाइड होगा ओके कितना जाएगा एक्स जाएगा एक्स जाने से एक्स क्यूब प्लस कितना होगा एक्स होगा उसके बाद ये माइनस माइनस उसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा माइनस एक्स प्लस वन कितना जाएगा प्लस वन जाएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन रहा कितना ये द्वारा क्या माइनस एक्स ये कर जाएगा ओके तो अभी क्या होगा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर होगा ऊपर का डिग्री अगर इक्वल और ज़्यादा देखते हो एफ एक्स बाय जी एस ये डिवाइड हो जाएगा ओके क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर ओके इसका भी इंटीग्रेशन होगा इसका भी इंटीग्रेशन होगा और इसका तो भी इसका भी इंटीग्रेशन होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाई थ्री सर एक्स स्क्वायर बाय क्या टू इंटीग्रेशन एक्स टू द एन एक्स टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन वन डी एक्स का क्या होगा एक्स होगा ये थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा इसको टी लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम टी लेते हैं इसका डेरिवेटिव एन डी एक्स डी टी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या डेरिवेटिव है टू एक्स तो डिवाइड टू करोगे आगे इंटू टू करोगे तो 2x dx dt होगा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा जाएगा अभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लोगे t दोनों तरफ ले लो डेरिवेटिव रेस्पेक्ट है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और 1 का 0 और इसका डेरिवेटिव कितना dt बाई डी एक्स देन 2x dx क्या आ जाएगा dt ओके तो यहाँ पर 2x नहीं था डिवाइड 2x इंटू 2x करो dt देन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स माइनस ये log t आएगा ठीक है इसलिए थे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी ओके तो जब भी तुम्हारा ऐसा कुछ ऊपर का डिग्री इक्वल भी होता है और ज़्यादा भी होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है
ठीक है। ये था अलजेब्रा ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है।